हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी। दिस इज उज्ज्वल कुमार हेयर। और आज हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ज्योग्राफी के, जो कि आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी या फिर किसी और भी स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। और ये सेशन आपके अपकमिंग 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन में बिल्कुल आखिरी तक बने रहिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप देख सकते हैं, उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हेलो अविनाश जी, वेलकम, गुड इवनिंग, कैसे हैं? सभी लोग जल्दी से जुड़िए और जितने भी लोग हैं सेशन में, प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन और आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स है ना, ट्राइब्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइब्स ऑन इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पे। माय नेम इज उज्ज्वल कुमार और मैं प्लस पे बीपीएससी कैटेगरी में एजुकेटर हूँ और मैं आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्लासेस अनअकैडमी प्लस से प्रोवाइड करता हूँ। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज उज्ज्वल K10। उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आप परचेस करते हैं प्लस पे, जो भी कोर्सेज को आप अवेल करते हैं उसमें 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं उज्ज्वल K10। हेलो शुभांगी जी, वेलकम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एक मिनट रुकिएगा। क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज योर अनअकैडमी हेयर। एंड मैं उज्ज्वल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप आज ही इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप इसमें एक अपना अकाउंट बना सकते हैं और इसमें एक गोल सेलेक्ट कर सकते हैं बीपीएससी गोल में। और आप उस पर बहुत सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। जितने भी स्पेशल क्लासेस होते हैं आप वहाँ पर फ्री में जा सकते हैं, कोई भी आपको पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं है स्पेशल क्लासेस में। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, उससे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। उज्ज्वल K10, उज्ज्वल K10 इज द कोड, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी गैप। और एक यूसेट स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि होने वाला है इस संडे को, यानी कि 12 दिसंबर को, नेक्स्ट जो संडे आने वाला है 12 दिसंबर को। और टाइम होगा इसका सुबह में 11 बजे सुबह में टाइम होता है और इसका एनालिसिस करेंगे वरुण सर आपको 4 बजे शाम में। तो यूसेट स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आपका रैंक 15 विनर्स में आ जाता है तो आपको 50% तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। आप चाहें तो क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर सकते हैं पीडीएफ, अभी तो मैं इस पर अवेलेबल नहीं करवा रहा हूँ बट मिल सकता है पीडीएफ भी। प्लस पे जितने भी क्लासेस होते हैं सबका पीडीएफ आपको क्लास में अपलोड कर दिया जाता है, आप उसको क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे जितने भी क्लासेस होते हैं सभी का आपको पीडीएफ क्लास के समय ही अवेलेबल करवा दिया जाता है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को सब्जेक्ट वाइज प्लस पे टेस्ट सीरीज है, जैसे कि एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स, 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 22 दिसंबर और 29 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स आपको ये सारे टेस्ट आप बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। और फिर बिहार SI प्रीलिम्स प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जो कि है एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स। तो ऐसे कई सारे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी प्लस पे चल रहे होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन है वो और भी मजबूत हो जाएगी। इसके साथ आप देखिए कि टारगेट 1110 यानी कि 110 प्लस बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो जिसका है डेट 7th, 14th and 21st दिसंबर, ठीक है। और टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM to 9 PM और इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट है, इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है, बिहार जीके का टेस्ट है 7 को, 14 को और 21 को। इसके साथ है टारगेट 67 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जिससे आपको एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का जो माहौल होता है उस कंडीशन में कैसे कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो बिल्कुल आपको एक टेस्ट में है ना एग्ज़ाम माहौल में पूरा आप टेस्ट दे सकते हैं और उससे अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है। प्लस के कई सारे फीचर्स होते हैं जैसे कि यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, यानी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी है प्रोवाइड करवाई जाएगी और
गुड इवनिंग दीप शिखा जी, गुड इवनिंग। ठीक है, और इसके बाद अनलिमिटेड एसेस टू ऑल कोर्सेज है, यानी कि अन अकेडमी पे बीपीएससी कैटेगरी में जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, तो जो क्लासेस हो चुके हैं उसका रिकॉर्डेड लेसन आपको मिलेगा, बाकी जो लाइव क्लासेस है उसका लाइव क्लासेस आप देखिए और जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हैं। उसमें पीडीएफ आपको मिलता है, पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं कुछ भी सिलेबस अगर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए तो कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल मैंने आपको जस्ट बताया, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होते हैं ना, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं खान अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। तो प्लस पे जुड़ने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको ऑलराउंड तैयारी करवा दिया जाता है। तो इसी के लिए आप देख सकते हैं कि बैच कोर्सेज है जो कि बिल्कुल हमारे प्लस पे स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ बैच कोर्सेज आने वाले हैं। विजय बीपीएससी बैच है जो कि 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और ये फाउंडेशन बैच है 68th बीपीएससी के पीटी और मेंस के लिए, 8 महीने का ड्यूरेशन है, और हिंदी मीडियम बैच रहेगा, ये बिल्कुल हिंदी मीडियम बैच रहेगा, और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी कैटेगरी के टॉप एजुकेटर्स आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, और ये बैच एंड होगा 30 जुलाई 2022 को, यानी कि टोटल 8 महीने का ड्यूरेशन है, 8 मंथ्स 8 महीने का ड्यूरेशन है, हिंदी मीडियम बैच है, हिंदी मीडियम बैच है, बिल्कुल हिंदी मीडियम में सारा क्लास होगा, और जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 दिसंबर से, 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 30 जुलाई 2022 तक ख़त्म होगा। ठीक है, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स, यानी कि बीपीएससी कैटेगरी में आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत नहीं है, आप एक ही सब्सक्रिप्शन में बीपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस, बिहार एसआई, सीडीपीओ, यानी कि बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, सारे एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन एक ही है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में सारे क्लासेस आपको मिल जाते हैं। और ये कुछ फी स्ट्रक्चर है हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं कि एक महीने का जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज़ 1600 रुपीज़, तीन महीने का फी स्ट्रक्चर है 4000, छः महीने का फी स्ट्रक्चर है 7200, एक साल का फी स्ट्रक्चर है 8800, और दो साल का फी स्ट्रक्चर है 12800। लेकिन आपको ये पूरा फुल पे नहीं करना है, आप सभी में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हैं उज्ज्वल K10, आप मेरा ये कोड यूज कीजिए और आपको 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप रेफरल कोड रेफरल कोड को यूज कर लेते हैं। तो विजय बीपीएससी का फीस क्या है, देखिए अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ बैच का फीस नहीं होता है, हमारे यहाँ बस सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जिसमें आपको मंथ वाइज आपको बाई करने होते हैं। तो जब तक आप जितने महीनों का सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा उस मंथ्स में आप चाहें तो जितनी भी क्लासेस चाहें कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं तो 8800 रुपीज़ फ़ी है, लेकिन आप मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 880 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और एक साल के लिए आपको अनअकैडमी प्लस बिल्कुल जितनी बार चाहे, जो बैच चाहे, जिस बैच में आपको क्लास करना है, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, उतने सारे क्लासेस आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इस क्लासेस में ज्वाइन करके बिल्कुल आप टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आपको 6 मंथ्स क्लासेस लेने हैं तो आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एक साल कंप्लीट तैयारी करना है तो आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और उसमें जितने भी बैचेज हैं जो पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं उसके रिकॉर्डेड लेसन्स आपको मिल जाएंगे, जो लाइव क्लासेस हैं वो सब सारे लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप देखिए तो अनअकैडमी का जो है सो कॉम्बो ऑफर है जिसमें आप UPPCS और BPSC का कम्बाइंड तैयारी करते हैं, दो साल का फीस स्ट्रक्चर है 18,520, एक साल का फीस स्ट्रक्चर है 12,265, छः महीने का है 9,293, तीन महीने का है 5,575 और एक मंथ का है 2,395। तो अगर आप उत्तर प्रदेश PCS और BPSC का साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो ऑफर में भी आपको प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल को, BPSC चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और टेलीग्राम पे अनअकैडमी BPSC को सर्च करके आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सो दिस इज योर अनअकैडमी एंड आई एम उज्ज्वल कुमार हियर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास, और इस क्लास में आखिरी तक सेशंस में आप लोग सभी लोग बने रहिए और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। कितने लोग रेडी हैं जी? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, आज का पहला सवाल ये रहा कि आपके स्क्रीन पे रहा, जरावास, सेंटिलीज एंड ओन्स आर द मेन ट्राइब्स ऑफ
विच रीजन, यानी कि जड़ावा, सेंटिनलिस और ओंग्स किस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ हैं? बताइए पहले का आंसर क्या होगा, और सभी लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिएगा सभी लोग। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं एक से अधिक। और जितने भी लोग हैं क्लास में, प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन, और आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स जो हैं सो इसमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका जो जवाब होगा दैट इज़ ए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जरावा, सेंटिनलेस, ओंस, ये सभी अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, सभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की प्रमुख जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेसियल ग्रुप्स इज फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, है ना? निम्नलिखित नस्लीय समूह में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पाया जाता है? डिनारिक्स, मेडिटेरेनियन, मंगोलाइट्स, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं एक से अधिक। दूसरे का आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेसियल ग्रुप्स इज फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में ये सभी नस्लीय समूह के लोग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है डिनारिक्स, सेकंड है मेडिटेरेनियन, थर्ड है मंगोलाइट्स, फोर्थ है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं एक से अधिक। बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। दूसरे का डी, शुभांगी जी ने बोला डी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिए कमेंट में, दूसरे का ए बी सी डी ऐसे करके लिखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए सभी लोग। डी दूसरे का राइट आंसर है सी, मंगोलाइट्स, है ना, मंगोलाइट्स इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी कि अब देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है हमारा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ का जो भी हिली रीजन है, वहाँ पे मंगोलाइट्स और रेसियल ग्रुप्स के जो है ट्राइबल्स है बेसिकली वहाँ पे, है ना। तो मंगोलाइट्स याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है और ये कई बार ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द मंगोल्स आर एन ईस्ट सेंट्रल एशियन, सेंट्रल एशिया का ये इथनिक ग्रुप है जो कि मंगोलिया का नेटिव है और चाइना का इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में भी आप रहते हैं। मंगोलाइट्स फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ आसाम में पाए जाते हैं, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और अदर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, लद्दाख में, है ना। और जो कुछ इंडियन ट्राइब्स जो कि बिलोंग करते हैं मंगोलाइड रेस से, उनका नाम है लेपचा, टोडा, रावा, खासी, लिम्बू, गारो, नागा, चकमा, ये सभी इंडियन ट्राइब्स के नाम है, है ना, भारतीय जनजातियाँ का ये सब नाम है, लेपचा ट्राइब, तोडा ट्राइब, है ना, रावा ट्राइब, खासी ट्राइब, ऐसे ट्राइब्स हैं, लेकिन ये सभी मंगोलाइट्स रेस से बिलोंग करते हैं, है ना, ये रेस है मंगोलाइट्स रेस। ठीक है, और इससे आप देखिए तो लेपचा, है ना, लेपचा ट्राइब, तोडा ट्राइब, है ना, रावा ट्राइब, है ना, ये जितने भी नाम आपको दिए गए हैं ये सभी मंगोलाइट्स रेस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, द्रविड़ जातियों की पुष्टि मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? ठीक है, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या फिर उत्तर पूर्वी भारत या फिर नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत या ऑप्शन ई, कोई नहीं एक से अधिक। बताइए जी तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा बताइए। द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मैं आप सभी लोग कमेंट देख रहा हूँ, सभी लोग कमेंट फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए, है ना, आप लोग कमेंट काफ़ी देर से आ रहा है, फास्ट कमेंट कीजिए। विजय जी ने बोला थ्री का ए, साउथ इंडिया, मनोहर यादव ने बोला ए, बबलू कुमार ने बोला है बी। ठीक है,
सभी लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, है ना, साउथ इंडिया इसका सही जवाब है, द्रविडियन, है ना। द्रविडियन रेसेस जो हैं बेसिकली कहाँ पे हैं, बिल्कुल तो हमारे साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में, ठीक है। बिल्कुल अविनाश जी ने बोला 3 का ए, बिल्कुल। तो जो द्रविडियन रेस है उसका आप देख सकते हैं रेशियल फीचर्स क्या है, तो हाइट है सो मीडियम टू टॉल है, स्किन का देखिए रेस का मतलब क्या होता है, रेस है ना, रेस मतलब उनका एक, आप देखिएगा जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग होता है, सारे रेस का अलग होगा, किसी का आंख का साइज अलग होगा, किसी का बाल देखिए तो कर्ली होगा, किसी का बाल सीधा होगा, किसी का फेस सपाट होगा, किसी का फेस गोल होगा, किसी का स्किन का कलर कुछ और होगा, है ना। तो ऐसे उस बेसिस पे रेसेस को जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है, ठीक है। तो जो द्रविडियन रेस है उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो रेशियल फीचर्स होते हैं उसमें आप देखिए तो हाइट यानी कि लंबाई उनका मीडियम टू टॉल है ना, यानी कि मध्यम से उनका लंबाई ज़्यादा होता है, ठीक है। स्किन कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और फेयर भी होता है। बाल के बारे में क्या है, तो प्लेंटीफुल हेयर विथ स्लाइट कर्ल्स, यानी कि बाल घुंघराला होगा और थोड़ा सा कर्ली टाइप का बाल होगा, है ना। नॉइज नहीं, नोज है, नाक है ना, नोज स्टीप है यानी कि सपाट होता है, लिप्स सिंपल, हेड जो है यानी कि फोरहेड वाइड एंड राउंड है ना, फोरहेड हाई, ठीक है। द ऑरिजिन्स ऑफ द द्रविडियंस आर ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डिबेट, दे मे हैव बीन इंडिजीनियस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट ऑरिजिन्स इन और इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्ट एशिया हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड, ठीक है। तो जो द्रविडियन रेस के जो लोग हैं बेसिकली कहाँ पे हैं, तो जो तमिल्स हैं, जो मलयालीज हैं, जो तेलुगुज हैं, जो कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, दैट मेक अप अराउंड 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो ये सभी के सभी द्रविडियन रेस के ही लोग हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में द्रविडियन रेस, ठीक है, द्रविडियन रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 8.6%, 10.6%, 9.6%, 7.6% या फिर ऑप्शन ही कोई नहीं, एक से अधिक। तो सवाल ये पूछा गया है कि 2011 का जो सेंसस हुआ है, 2011 का जो जनगणना हुआ है उसमें भारत के टोटल पॉपुलेशन में जो इंडिया का टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कितना प्रतिशत है, बताइए, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर बताइए। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 8.6%, 10.6%, 9.6%, 7.6% या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं, एक से अधिक, बताइए कितना है, फोर्थ का आंसर बताइए सभी लोग। फोर का सी, 9.6% बोल रहे हैं। विनय जी ने बोला 4 का सी, बाकी लोग बताइए। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसका जो आंसर है वो है ए, 8.6%, है ना, 8.6%, यानी कि 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का आप देखिए पॉपुलेशन में से 8.6% जो है, 8.6% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। बबलू जी ने बोला है बी नहीं होगा, ए इसका सही जवाब है, 8.6% है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आदिवासी समुदाय की पहचान नहीं की है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आदिवासी समुदाय नहीं है, है ना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं, एक से अधिक, और ये किसके अकॉर्डिंग जी, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, है ना, 2011 सेंसस जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, बताइए। और ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है और भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये रिपीट हो जाता है, इस तरीके का सवाल जो है आपसे कई बार रिपीट हो जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पांचवे का राइट आंसर,
बताइए पांचवे का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सी इसका सही जवाब है जी, है ना, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, पांचवे का जवाब है सी। ठीक है, हरियाणा इसका सही जवाब है। तो आप देखिए कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी यानी पुडुचेरी हैव नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो याद रखिएगा कि ऐसे पांच राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला करके हैं जहां पे कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थारू ट्राइब इज रिसाइडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। थारू जनजाति जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है, बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, या फिर कोई नहीं एक से अधिक। बताइए छठे का राइट आंसर बताइए और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए राहुल जी, क्वेश्चन नंबर लिखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिए कि इस पांचवे का आंसर दे रहे हैं कि छठे का आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब है सो डी, इसका सही जवाब है, है ना, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थारू ट्राइब जो है सो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो है सो मेन ट्राइबल ग्रुप है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट्स दिवाली एज ए सोरो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। बताइए सातवें का राइट आंसर बताइए, सहरिया है, बैगा है, पहाड़िया है, थारू है, या फिर ऑप्शन ई है, कोई नहीं एक से अधिक। सातवें का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल छठे का डी था, छठे का डी था, बिल्कुल। सातवें का बताइए। इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट्स दिवाली एज ए सोरो, है ना, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है ना, यानी कि दिवाली के दिन सब लोग खुश रहते हैं, सब लोग पटाखा उठाखा चलाते हैं, और ये जनजाति जो है सो उसको शोक के रूप में, सौरों के रूप में मनाती है। बताइए कौन सा है, सहरिया है, बैगा है, पहाड़िया है, थारू है, या फिर ऑप्शन ई है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। थारू सेवन का डी, बिल्कुल सभी लोग डी ही बोल रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल डी इसका सही जवाब है, थारू इसका सही जवाब है, सेवन का डी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सौरो क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये इनका ऐसा मानना है कि जो थारू ट्रेडिशंस के अनुसार कि अमावस्या ऑफ दिवाली इज शरदीय अमावस्या विच फॉल्स इन द सीक्वेंस ऑफ द अमावस्या ऑफ शरद पक्ष, यानी कि आवर इनका एक कोई मेंबर है, उनका स्टेटमेंट है कि आवर कम्युनिटी यूज टू रिमेंबर दोज डेड फैमिली मेंबर्स, यानी कि ये उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं जिनका देहांत हो चुका है और उनको श्राद्ध ऑफर नहीं किया गया था ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो उनको वो दिवाली अमावस्या के दिन, है ना, लास्ट राइट्स और बाकी सारे चीज़ें करते हैं, और इसमें ये लोग खाना बाकी लोगों को खिलाते हैं, रोटी ये सब खिलाते हैं, इस तरीके का ट्रेडिशंस इनका होता है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि थारू कम्युनिटी ट्रेडिशंस दिस डे यूज टू बी ऑब्जर्व्ड एज ए डे ऑफ सोरो एंड दे यूज टू ऑफर ए रोटी टू द डिसीज्ड फैमिली मेंबर। ठीक है, तो डेड फैमिली मेंबर्स को ये लोग याद करते हैं और उन्हीं को, है ना, उनकी आत्मा को शांति के लिए बाकी सारी चीज़ें करते हैं, इसीलिए दिवाली के दिन ये लोग सोरो के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंगरिया कोंद ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, डोंगरिया कोंद जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ओडिशा में, झारखंड में, या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं एक से अधिक। आठवीं का राइट आंसर बताइए। डोंगरिया कोंद ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, डोंगरिया कोंद जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। गुड इवनिंग पवेल जी, कैसे हैं, गुड इवनिंग।
और जितने भी लोग हैं क्लास में प्लीज़ डू लाइक द सेशन, शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। और हम लोग डेली शाम में 4 बजे मिलते हैं यहाँ पे, है ना, 4 PM डेली यहाँ पे मिलते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, 4 PM डेली, और रात को 9 बजे 9 PM अनअकैडमी प्लस पे, है ना, अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लासेस में, है ना, फ्री क्लास होता है ना 9 PM, वहाँ पे भी MCQs करवाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम के लिए, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो 9 PM क्लास पे भी जुड़िए अनअकैडमी प्लस पे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब है वो है सी, है ना। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग सी आंसर दिए हैं उड़ीसा, तो इसका सही जवाब होगा सी, है ना। नियमगिरी हिल्स में ये लोग रहते हैं, नियमगिरी हिल्स में, ठीक है, जहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग ये सब को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे ये लोग, ठीक है, नियमगिरी हिल्स, है ना, वहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग ये सब होता है, ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट बताइए तो किस चीज़ का ओर है जी। बॉक्साइट जो ओर है वो कौन से मेटल का ओर है, इससे कौन सा मेटल निकाला जाता है, आपसे साइंस में पूछा जाता है सवाल, या फिर रिसोर्स ज्योग्राफी में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि बॉक्साइट से कौन सा मेटल निकाला जाता है, बताइए। राहुल जी, बबलू जी बताइए, सभी लोग, पवेल जी, है ना, एलुमिनियम, बिल्कुल, है ना, बॉक्साइट्स से एलुमिनियम निकाला जाता है, ठीक है, एलुमिनियम, ठीक है, आयरन, अरे आयरन बॉक्साइट से थोड़ी निकाला जाता है, गजब बात करते हैं आप लोग, आयरन किससे निकाला जाता है, आयरन का जो मेन ओर है उसको बोलते हैं हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, है ना, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, है ना, सीडेराइट है, है ना, तो ये सभी आयरन के ओर होते हैं ना। लेकिन बॉक्साइट जो है सो अल्यूमिनियम का है, Al2O3 अल्यूमिन ऑक्साइड डॉट 2H2O हाइड्रेटेड, इसका मेन फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जैसे मैं आपको बताया, है ना, बिल्कुल सीडेराइट, नियमगिरी हिल रेंज इन उड़ीसा स्टेट, ईस्टर्न इंडिया इज होम टू द डोंगरिया कोंध ट्राइब। नियमगिरी इज एन एरिया ऑफ डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स, ए डीप जॉर्जेस एंड कैस्केटिक स्ट्रीम्स, टू बी ए डोंगरिया कोंध इज टू फार्म द हिल्स फर्टाइल स्लोप्स, हार्वेस्ट देयर प्रोड्यूस एंड वर्शिप द माउंटेन गॉड नियम राजा। यानी कि ये लोग, आपको मालूम है कि जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो बेसिकली नेचर का ही पूजा करते हैं, नेचर गॉड का ही पूजा करते हैं, तो ये माउंटेन गॉड यानी कि पहाड़ का पूजा करते हैं, और पहाड़ का नाम क्या है, तो नियमगिरी, और वहाँ का जो गॉड है, राजा है, उसका नाम है नियम राजा, है ना, नियम राजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेदांता का जो है सो माइनिंग होता है, और उसके अंदर बहुत सारा इनका जो आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो हिल का एरिया है उसको डैमेज पहुँचा है, ठीक है, बॉक्साइट माइनिंग के चक्कर में, ठीक है। तो याद रखिएगा डोंगरिया कोंध ट्राइब कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज, निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू, या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं एक से अधिक। आप सभी को बता दें कि मेरा जो है इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, अचीवर बैच का पार्ट है, अचीवर बैच, है ना, अचीवर बैच है, जो कि 68th BPSC का फाउंडेशन बैच है, 68th BPSC का फाउंडेशन बैच है अचीवर, और ये इंग्लिश मीडियम बैच है, है ना, इंग्लिश मीडियम बैच है, ठीक है। एक साल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, 8800 फीस स्ट्रक्चर है टोटल, 8800, लेकिन आप मेरा ये कोड यूज कर लीजिएगा उज्जवल के 10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा पॉलिटी का बैच है जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 दिसंबर से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्लस पे है, अनअकैडमी प्लस पे, 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9th है ना, आप लोग 8वां आंसर काहे कर रहे हैं, 9th का बताइए। गद्दी ट्राइब है ना, एनर्जी प्राइवेट जी ने बोला है गद्दी ट्राइब, ठीक है, सो 9 का बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी इसका सही जवाब है जी, जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है ना, गद्दी, है ना, गद्दी ट्राइब जो है सो धौलाधर रेंज, आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है धौलाधर रेंज जहाँ वो सब है, वहाँ पे ये गद्दी ट्राइब जो है सो वहाँ की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां का आंसर बताइए सभी लोग। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथाल इज, संथाल में विवाह का सामान्य रूप जो है
उसे किस नाम से बुलाया जाता है? इतुत, सांगा, नीरबोलोक, बापला या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं एक से अधिक। बताइए। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथाल इज, संथाल में विवाह का सामान्य रूप क्या है? इतुत, सांगा, नीरबोलोक, बापला या फिर ऑप्शन ई। दसवें का राइट आंसर बताइए सभी लोग। राहुल जी, बबलू जी, एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जी, स्टूडेंट जी, बताइए दसवें का आंसर बताइए। दसवें का जो राइट आंसर होगा सांगा, नहीं नहीं सांगा नहीं है, सांगा नहीं होगा। दसवें का राइट आंसर है बापला, है ना, डी। डी इसका सही जवाब है, है ना, बापला इसका सही जवाब है, डी। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल दसवें का राइट आंसर डी है। संथाल में विवाह का जो सामान्य रूप है बापला। तो आप सभी को मालूम है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, तो इनमें अपना एक ट्रेडिशंस होता है इनका, है ना, इनका अपना ट्रेडिशंस होता है, है ना, इनमें इनका मैरिज का अलग 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 तरीका होता है ना, मैरिज का, विवाह का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो जो संथाल समुदाय में जो शादी विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है उसको बापला के नाम से बोला जाता है ना, बापला, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेप्चा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? लेप्चा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं एक से अधिक में। बताइए ग्यारहवीं का राइट आंसर क्या होगा। लेप्चा ट्राइब कहाँ पे पाया जाता है जी? लेप्चा ट्राइब कहाँ पे पाया जाता है? लेप्चा जनजाति बहुत ही फेमस जनजाति है, है ना, लेप्चा जनजाति झारखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, सिक्किम में है। बताइए, अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। बिल्कुल, जो लोग सिक्किम जवाब दे रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सिक्किम इसका सही जवाब है। ठीक है, सिक्किम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेप्चा ट्राइब जो है सो मंगोलाइड रेस का है, मंगोलाइड, है ना, मंगोलाइड रेसियल ग्रुप का है ट्राइब। ठीक है, लेप्चा ट्राइब सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? ठीक है, भारत का कौन सा, ये 12 का ट्रांसलेशन सही नहीं है, है ना, ट्रांसलेशन गलत हो गया है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, है ना, कि इसमें से कौन सा जनजाति है भारत का जो कि सबसे बड़ी, जिसकी आबादी है सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है? भील है, गोंड्स है, संथाल्स है, थारूस है या फिर ऑप्शन ई है। ठीक है, 12वें का आंसर बताइए। अरे ये सवाल इधर ध्यान मत दीजिए, है ना, इसको छोड़िए, ये ट्रांसलेशन गलती हो गया है ना, इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, है ना, भील्स है, गोंड्स है, संथाल है, थारूस है या फिर ऑप्शन ई है, बताइए। बाराकासी संथाल, पूजा जी बोल रही हैं, हमराज जी सी बोल रहे हैं, संथाल, नहीं नहीं सी नहीं होगा जी, सी नहीं होगा, संथाल नहीं है। अब बताइए, संथाल नहीं है, गोंड या भील होगा, बिल्कुल भील इज़ द करेक्ट आंसर, भील 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। राहुल जी बिल्कुल ब्रिलियंट आंसर आपने दिया है, भील इज़ द राइट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000, वेरी नाइस राहुल जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% सही जवाब है राहुल जी का, है ना, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग हमेशा सेंसस के ही पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, है ना, सेंसस, तो सेंसस 2011 के अनुसार भील जो ट्राइबल ग्रुप है, जो जनजाति है, ये पूरे भारत में आप देखिए तो सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, ठीक है,
तो भील जो है सो सबसे बड़ी जनजाति है भारत में, याद रखिएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछता है बीपीएससी आने वाले एग्ज़ाम में, तो आंसर भील करके आइएगा सेंसस 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए भील जो है सो बेसिकली कहाँ पे है, तो भील जो है सो और इनको क्या बोला जाता है, बो मैन ऑफ राजस्थान, है ना बो मैन ऑफ राजस्थान। दे आर द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। दे फॉर्म द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द होल साउथ एशिया, यानी कि पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ये ट्राइबल ग्रुप है ना। और भील का आप देखिए तो भील्स आर मेनली डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप्स, द सेंट्रल और प्योर भील्स एंड ईस्टर्न और राजपूत भील्स। द सेंट्रल भील्स आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, यानी कि कई राज्यों में ये फैले हुए हैं, ठीक है। गुड इवनिंग प्रीति पांडे जी, गुड इवनिंग, ठीक है। जेपीएससी में संथाल था, संथाल है सो आपका झारखंड का ट्राइब हो सकता है, लेकिन ऐसे ऑल इंडिया पे आप देखिएगा तो संथाल नहीं है, संथाल का तीसरा पोजीशन होगा, है ना। पूरे भारत में संथाल का पोजीशन तीसरा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए तो सबसे बड़ा जो ट्राइब होगा पूरे भारत में प्रदेश में वो है भील, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, टोडा, गोंड, थारूस, संथाल, या फिर ऑप्शन ए कोई नहीं एक से अधिक। 13वें का राइट आंसर बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सेकेंड लार्जेस्ट। राहुल जी बोल रहे हैं 13 का गोंड, हमराज जी बी बोल रहे हैं गोंड, पूजा सिंह बोल रही है एन मतलब क्या जी, बबलू जी भील, पवेल जी गोंड, कुमार संदीपन 13 का बी गोंड, सेकेंड लार्जेस्ट गोंड, बिल्कुल गोंड इसका सही जवाब, आप लोग सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, गोंड इसका सही जवाब है, ठीक है। यानी कि जो सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है भारत में वो है गोंड, यानी कि सबसे लार्जेस्ट है भील फर्स्ट है जी, ठीक है, और गोंड जो है ये सेकेंड पोजीशन पे है 2011 सेंसस के अनुसार, ठीक है। लेकिन अभी फिर से 10 साल के बाद जब सेंसस होता है, रिपोर्ट जब आएगा, तो हो सकता है कि पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो जाए, है ना, लेकिन लास्ट सेंसस के अनुसार ये पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धूमकरिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब, है ना। धूमकरिया नामक एक सामाजिक संस्था किस जनजाति से संबंधित है, ओराव, हो, गोंड, कोल, या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं एक से अधिक, बताइए। ए सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धूमकरिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब, बताइए। धूमकरिया नामक एक सामाजिक संस्था किस जनजाति से संबंधित है, उराव से, हो से, गोंड से, कोल से, या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं एक से अधिक। गोंड नहीं पावेल ये गोंड नहीं होगा, गोंड इसका गलत जवाब है, गोंड नहीं है। अब बताइए, अजय जी बोल रहे हैं सी गोंड, नहीं सी नहीं होगा, ए पूछ रही हैं हमसे, ए आंसर बताइए, ठीक है, ए इसका सही जवाब है, ए उड़ाव जनजाति से। धूमकरिया एक सामाजिक संस्था है, देखिए कितना लोग जानते हैं सामाजिक संस्था धूमकरिया के बारे में, है ना। तो धूमकरिया क्या होता है, बेसिकली एक सोशल एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप सभी को छोटे थे बच्चे थे तो आपको स्कूल भेजा जाता था पढ़ाई करने के लिए, तो वैसे ही सारे ट्रैवल ग्रुप्स का अपना एक सिस्टम होता है। तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन समझिए कि एक काइंड ऑफ एक स्कूल ही समझिए, प्राइमरी स्कूल टाइप का चीज़ समझिए। तो उसमें बच्चों को जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, अपना जो भी सोशल उनका जो ट्रेडिशंस हैं, जो भी उनका रीति रिवाज है, जो भी चीज़ें हैं, उनका अपना एक कानून होता है, तो वो सारे चीज़ों का ना उनको शिक्षा दिया जाता है। तो उसी तरीके का जो उराव जनजाति की जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसको धूमकरिया नाम से बुलाया जाता है ना, धूमकरिया, ठीक है। धूमकरिया एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, काइंड ऑफ स्कूल आप समझ सकते हैं,
इसमें वार्डन होते हैं और भी कुछ शिक्षक लोग होते हैं, है ना, तो उराव जनजाति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डांस फॉर्म इज मेनली फेमस अमंग द भील ट्राइब्स, भील जनजातियों में कौन सा नृत्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, सत्तरिया, घूमर, दांडिया, पुतुल नाच या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं, एक से अधिक। 15वें का राइट आंसर बताइए, विच डांस फॉर्म इज मेनली फेमस अमंग द भील ट्राइब्स, ठीक है, भील जनजातियों में कौन सा नृत्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, सत्तरिया है, घूमर है, दांडिया है, पुतुल नाच है या फिर ऑप्शन ई है, कोई नहीं, एक से अधिक है। सत्तरिया, भोटिया खुद ही जनजाति है जी, वो उनका काम ही होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना, है ना, माइग्रेटरी टाइप की वो ट्राइब है ना, सेडेंटरी नहीं है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं वो लोग। 15 का राइट आंसर बताइए जी, सब लोग सत्तरिया सत्तरिया कर रहे हैं, सत्तरिया नहीं होगा, सत्तरिया के बारे में आप लोग को इसका मतलब नहीं मालूम है, सत्तरिया के बारे में नहीं मालूम है इसलिए आप लोग सत्तरिया कर रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ होगा बी, घूमर। किसी ने बी जवाब दिया है क्या? बबलू जी ने दिया है बी जवाब, प्रीति जी ने दिया है बी जवाब, घूमर राजस्थान, बिल्कुल है ना, बी इसका सही जवाब है बी। सत्तरिया जो है सो क्लासिकल डांस है जी, है ना, क्लासिकल डांस है सत्तरिया, ठीक है। कहाँ का डांस है? तो क्लासिकल डांस फॉर्म है सत्तरिया, कहाँ का? तो असम का है, ठीक है, असम का डांस है, असम का, है ना, और वैष्णवा लोगों का डांस होता है, वैष्णवा लोगों का, है ना। जैसे कि आप क्लासिकल डांस पढ़ते हैं ना, जैसे कि कथक हो गया, कथकली हो गया, है ना, मोहिनीअट्टम है, तो ऐसे जो क्लासिकल डांस जो है वैसे ही सत्तरिया एक क्लासिकल डांस है, असम का है, है ना, और वैष्णवा सेक्ट्स का है, वैष्णवाइट्स लोग जो हैं सो इस डांस को करते हैं, वैष्णवाइट सेक्ट्स, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। घूमर है सो इसका राइट आंसर है, भील ट्राइब का, राजस्थान में घूमर, राजस्थान में, ठीक है। और पुतुल नाच तो है कठपुतली का जो नाच होता है, कठपुतली वाला जो आप लोग बनाते हैं और उसका जो होता है वो होता है, लेकिन ये ट्राइबल ग्रुप का नहीं है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग आपस में लड़ लेते हैं जी कमेंट में, गजब करते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर डीटी, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपने देवता के रूप में पूजती है, गोंड, भील, कोड़कू, अगरिया या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं, एक से अधिक, बताइए। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपने देवता के रूप में पूजती है, विच ट्राइब वर्शिप लोहा, लोहा मतलब कि आयरन से रिलेटेड है, आयरन से, एफ ई, आयरन से, यानी कि ऐसी जनजाति जो कि लोहा के प्रयोग बहुत ज़्यादा करती है, लोहा को है सो, है ना, आयरन ओर से लोहा बना लेती है, ऐसा कुछ काम करते हैं ये जनजाति। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। यू नेवर नो जो है उन्होंने सही जवाब दिया है अगरिया, है ना, अगरिया इसका सही जवाब है डी, अगरिया ट्राइब, ठीक है, तो अगरिया का नाम ही पड़ा है आग से जी, है ना, आग से अगरिया ही बना है, ठीक है, आग से। तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आयरन लोहा ये सब जो है ना उसका स्मेल्टिंग करते हैं, आयरन का स्मेल्टिंग करते हैं, तो अगरिया जो है सो सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगरिया के बारे में, द वर्ड अगरिया हैज केम फ्रॉम द हिंदी वर्ड आग विच मीन्स फायर, इट इज बिलीव डेट कि अगरियाज वेयर द फर्स्ट हु फाउंडेड आयरन ओर एंड स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ इट, है ना, यानी कि लौह अयस्क सबसे पहले इन्हीं ने खोजा और उससे फिर जो है लोहा का जो है सामान वान ये लोग बनाने लगे। सो अगरिया इज ए सब कास्ट ऑफ गोंड ट्राइब, है ना, गोंड ट्राइब का ही एक सब कास्ट है अगरिया, एंड इज कंसिडरिंग बींग द देयर यंगर ब्रदर्स एंड देयर सर्वेंट्स, अगरिया इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस कास्ट ऑफ गोंड ट्राइब, है ना, यानी कि गोंड ट्राइब का जो सबसे मेहनती कास्ट है वो है अगरिया, ठीक है। और ये किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में भी पाए जाते हैं, झारखंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, कि अगरिया मतलब कि आग से, नाम है इनका आग से, और आग
मतलब कि लोहा ये सब को ना काम करते हैं, लोहा का कारोबार ये सब करते हैं लोग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपेन ट्राइब इज मेनली फाउंड इन। सोमपेन जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है नीलगिरी हिल्स में, निकोबार आइलैंड्स में, स्पीति वैली में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं एक से अधिक। बताइए 17वें का राइट आंसर क्या होगा जी। सत्रह का आंसर बताइए, निकोबार। बिल्कुल 17 का जो राइट आंसर है वो है निकोबार द्वीप समूह, बी इज का सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। सोमपेन ट्राइब बहुत फेमस ट्राइब है, सोमपेन जनजाति है ना, तो इसके बारे में देखिएगा, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, सो दिस वॉज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और हम लोग आज 9 PM क्लास पे फिर से मिलेंगे पॉलिटी का अनअकैडमी प्लस पे, जिसमें आपको मैं संपूर्ण पॉलिटी का रिवीजन करवा रहा हूँ। और ये क्लासेस हैं सो बिल्कुल 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके थे, है ना, तो आप इस क्लास में ज़रूर जुड़िए अनअकैडमी प्लस पे 9 PM। आज रात में भी 9 PM पे क्लासेस है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है सो इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आप उसमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके और एक अकाउंट बना सकते हैं, और कोड यूज करने के बाद दैट इज़ आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए और एक गोल सेलेक्ट कीजिए BPSC में, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं उज्ज्वल K10, जिससे आपको फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे, 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा आपको। उज्ज्वल K10 कोड को यूज कीजिए, और जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं, है ना, जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है, 9 PM है ना, 9 PM आज रात में 9 बजे अनअकैडमी प्लस पे 9 बजे, ये डेली होता है जी, है ना, डेली होता है। माय नेम इज़ उज्ज्वल कुमार, और मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे BPSC कैटेगरी में ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्लासेस आप मेरे बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे बारे में आप जान सकते हैं ना। आपको अगर मेरे बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स जानना हो कि मैंने क्या, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, और मैं एक्सपीरियंस एग्ज़ाम को लेकर के क्या है, तो आप बिल्कुल मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, उज्ज्वल कुमार मेरा नाम है, और आप चाहें तो जितने भी प्लस के जो बैच कोर्सेज होते हैं उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बैच कोर्सेज हैं वो ये रहे, ठीक है, विजय BPSC बैच है जो कि स्टार्ट होने वाला है आपको 8 दिसंबर से, हिंदी मीडियम बैच है, 8 महीने का ड्यूरेशन होगा, 68th BPSC को टारगेट करेगा, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होगा, 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं, 1 साल का फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 8,800 रुपया, है ना, 1 साल का फ़ी स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ 8,800, और आप इसमें मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, कोड इज़ उज्ज्वल K10, है ना, उज्ज्वल K10 कोड को यूज कीजिए, रेफरल कोड को यहाँ पे, और 10% डिस्काउंट यानी कि 880 रुपये आपको यहाँ पे छूट मिल जाएंगे, और 2 साल का अगर आप बाई करते हैं तो आपको 1280 रुपया जो है सो छूट मिल जाता है। और बिल्कुल आपको अनअकैडमी प्लस के जितने भी क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, जो भी बैचेस हैं, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं, कंप्लीट GS का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड आई होप कि आपने ये सेशन को लाइक किया होगा, आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी, नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और हम लोग डेली मिलेंगे 4 PM अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे, है ना, 4 PM अनअकैडमी BPSC चैनल पे, इसी चैनल पे डेली मिलेंगे हम लोग। ठीक है, अनअकैडमी BPSC चैनल पे 4 PM डेली, और अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लासेस में, फ्री क्लासेस में 9 PM डेली, 9 PM डेली, है ना, उज्ज्वल कुमार क्लासेस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।